हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको ये बात पता है कि फर्स्ट टर्म में सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, और अगर आपको एमसीक्यू में यानी फर्स्ट टर्म में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है ना, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, तो सिंपल सा तरीका है कि जो जो चैप्टर आ रहे हैं ना उसके एमसीक्यू कर लो, 50 सेट एमसीक्यू कर लो। हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई एमसीक्यू आए और आप छोड़ के आ जाओ, ठीक है। चलो जी, अच्छा एक बात इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है अलग अलग चैप्टर्स को लेके कि सर ये अपलोड कर दो, ये वाला चैप्टर एमसीक्यू क्लास 11, तो डोंट वरी, सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने का मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो जी हम शुरू करते हैं। अच्छा एक और बात यार, इसको एज अ टेस्ट लेना अगर आपने चैप्टर कर रखा है ना। कुछ बच्चों को ये दो तीन क्वेश्चन सेम लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, आगे है बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं जो मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको एज अ टेस्ट लेना, अगर मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपको आधा सेकंड दूंगा, वीडियो पॉज करके आंसर करने का ट्राई करना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ये वाला टॉपिक कमज़ोर रह गया, ये वाला सही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ओके तो चलो जी शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन उगाने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया सॉइल कौन सी होती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो मेरे दिमाग में आंसर है ना वो तो आपने ऑप्शन में लिखा ही नहीं। ऑप्शन है ए रिगुड़ सॉइल, बी लेटराइट सॉइल, सी डेजर्ट सॉइल और डी माउंटेनियस सॉइल। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसका आंसर तो ब्लैक सॉइल है, बट मैं आपको बता दूं कि ब्लैक सॉइल को रिगुड़ सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक एमसीक्यू से ही दो एमसीक्यू कर दिए है ना, आपको ये भी पता चल गया कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल पे अच्छी उगती है, और आपको ये भी पता चल गया कि कॉटन जो उगती है ब्लैक सॉइल पे, तो ब्लैक सॉइल को रिगुड़ सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल कौन से वाले एरिया में पाई जाती है, वो आएगा नीचे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं कि जो सॉइल होती है वो कैसे बनती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो मैं बता दूं, सॉइल फॉर्मेशन जो होती है, सॉइल इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई पहाड़ है, उसे हवा तेज चलने के कारण क्या हुआ, वो पत्थर नीचे गिरा, फिर टूटा, पानी वानी गिरा उस पर, तो मतलब वेदरिंग के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, आई होप ये आपको पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड लेफ्ट विदाउट द कल्टीवेशन फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, उसको हम क्या कहते हैं। जो लैंड, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर लैंड 1 साल या 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ा गया हो ना, उसको हम क्या कहते हैं। कल्टरेबल लैंड, कल्चरेबल लैंड नहीं है, कल्टरेबल लैंड, करंट फेलो लैंड, वेस्ट लैंड या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है जी करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड कहते हो उस लैंड को जो 1 साल या 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ा गया हो, और जो 1 साल से 5 साल के बीच में खाली छोड़ा गया हो ना उसको क्या कहते हैं। चलो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, डोंट वरी, मैं आगे उसका आंसर बता ही दूंगा। इस वीडियो में ऐसे कोई आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं हो, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर मैं ना बताऊँ, बताऊँगा आपको, ओके। बट पहले आप सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर हम देखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी इज नीड बट नॉट फॉर एनीबडी इज ग्रीड, यानी हमारे पास उतना है कि सबकी जरूरत ही पूरी हो जाए, बट लालच पूरा करने के लिए हमारे पास नहीं है। तो किसने कही थी ये लाइन, ए जवाहरलाल नेहरू, ये लाल है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी महात्मा गांधी या डी सुंदरलाल, ठीक है। अच्छा अगर, वैसे तो इसका आंसर महात्मा गांधी है, अगर आपको पता है ना सुंदरलाल कौन है, अगर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो यूपीएससी वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं साथ में, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम बताना। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको किन के लिए, ये किस चीज़ के लिए मशहूर है। इन्होंने चिपको आंदोलन किया था, चिपको मूवमेंट था वो इन्होंने किया था, आई होप आपको पता हो उसके बारे में, नहीं पता तो इसके बारे में रीड करना आप, वैसे चैप्टर में से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। रिसोर्स विच आर सर्वे एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी और जिनकी क्वालिटी हमें पता है, उस रिसोर्स को क्या कहते हैं, उस रिसोर्स को कहते हैं जी डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है, आई होप ये आपको पता चल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक डेवलप रिसोर्स का एग्जांपल भी बता देता हूँ, एग्जाम में थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। तो डेवलप रिसोर्स का एक एग्जांपल है जी कोल। हमें पता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ कोल की खाने हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना कोयला है हमारे पास, कितनी बेटर क्वालिटी का है, ओके, तो ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन सी लाइन जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के लिए सही लिखी है। ए रिसोर्स विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यहीं रुक जाते हैं, यही वाला पॉइंट सही है, ठीक है। एक UN एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो भी हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि हमारा, जैसे अंटार्कटिका हो गया, वहाँ पर जाने के लिए परमिशन लेनी होती है ना आपको, तो किससे लेनी होती है, UN से लेनी होती है, ओके। तो इसलिए वो क्या है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुई थी इंटरनेशनल पहली अर्थ समिट जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी रियो डी जेनेरियो. रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील के अंदर. कब हुई थी? 1992 के अंदर. एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन बन गए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या फैला हुआ है? माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लेन या प्लेटो? इसका आंसर है प्लेन. मैक्सिमम लोगों के घर जो हैं, जो आप देख रहे हो, अगर ज़्यादातर लोगों के घर भी प्लेन पे होंगे, जैसे दिल्ली प्लेन का एरिया, हरियाणा प्लेन का एरिया, पंजाब प्लेन है. प्लेन मतलब सपाट ज़मीन, ठीक है. जैसे पहाड़ होता है ना, वो फॉरेस्ट होता है, बट एक होता है प्लेन. तो ज़्यादातर जो इंडिया का एरिया है वो प्लेन का है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना परसेंट, अगर ये बात आपको पता है तो बताना, नहीं तो नीचे क्वेश्चन आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि विच रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब एक रिसोर्स जो है वो एक एरिया में पाया जाता है बट उसको यूज़ नहीं किया जा रहा फॉर एनी रीज़न. अभी नहीं बताया कौन सा रीज़न है, ठीक है. तो कौन सा है रिसोर्स? वो है जी हमारे पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो है एक एरिया के अंदर बट अभी उनका यूज़ नहीं किया जा रहा बहुत बड़े लेवल पे. थोड़ा किया जा रहा है, जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर हमारे सोलार एनर्जी, धूप बहुत तेज़ पड़ती है वहाँ पर, है ना, बट अभी उसका जो यूज़ है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा. तो इसका आंसर है जी पोटेंशियल रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्स, रिसोर्स के लिए कौन सी लाइन सही लिखी हुई है? मैंने जब MCQ का टेस्ट लिया था ना, तो मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी. देखो, ए नहीं है आंसर. ए में लिखा है रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नहीं, रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है. लोगों को लगता है इसलिए वो रिसोर्स को एक तरह से ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, बट एक्चुअल में वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है. तो ए गलत है. सी की बात करते हैं, ऑल दोज विच आर फाउंड इन नेचर, ज़रूरी नहीं है. हर चीज़ जो नेचर में पाई जाती है वो रिसोर्स नहीं है, है ना. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है, जो रिसोर्स नहीं है. तो ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो एनवायरनमेंट में पाई जाती है वो रिसोर्स है, ऐसा नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थिंग विच कैन नॉट बी यूज टू फुलफिल आर नीड, वो तो रिसोर्स बिल्कुल नहीं है. तो इसका आंसर है बी. बी का क्या मतलब है? कि दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जो भी रिसोर्स होते हैं ना उनको यूज़ करने के लिए हमें, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो ह्यूमन ही होता है, वो ही बाकी रिसोर्स को यूज़फुल बनाता है. तो यही लाइन जो है वो रिसोर्स के मामले में सही लिखी है कि हर रिसोर्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से ही एक फाइनल पोजीशन में आता है, ठीक है. ओके, फाइनल स्टेज पे आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेड सॉइल जो होती है वो रेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन कंपाउंड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है. तो इसका आंसर है बी. ओके, कौन सी सॉइल ऐसी है जिसमें इंटेंस लीचिंग से बनती है? लीचिंग का मतलब होता है बहुत बारिश वगैरह आती है ना, बारिश सूखा, बारिश सूखा. तो इसका आंसर है लैटराइट सॉइल. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी लेटराइट सॉइल होती है ना वो ऑल्टर सीजन पे, अच्छा अब क्या होता है ऑल्टर ड्राई एंड वेट सीजन, यानी पहले बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, ठीक है, उसके बाद फिर एकदम से मतलब गर्मी पड़ने लग जाती है, फिर बारिश, फिर गर्मी. तो इसी से बनती है हमारी लेटराइट सॉइल, ठीक है. तो इंटेंस लीचिंग से बनती है, यानी हैवी रेन की वजह से जो बनती है सॉइल, आप कह सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिसोर्सेज इज आयरन ओर. आयरन ओर का, आयरन ओर किस रिसोर्स का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है जी डी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी टाइडल एनर्जी भी, पोटेंशियलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है. टाइडल एनर्जी किस में आती है? अब देखो, टाइडल एनर्जी है वो तो लहरें तो बार बार बन सकती है, तो वो किस में आएगा जी? रिप्लेनिशेबल रिसोर्स में. यानी रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कौन से होते हैं हमारे? रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर है ए. तो बार बार बन जाती है इसलिए इसको रिन्यूएबल कहते हैं. तो आपको ये भी आ सकता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑल्सो नोन एज रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी NCERT का क्वेश्चन है कि लैंड डिग्रेडेशन पंजाब में क्यों होता है, क्या रीज़न है? मैं आपको बता दूँ, पंजाब में है ना, आपको पता है जो इरीगेशन है उसकी वजह से लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है, या मैं कहूँ वाटर लॉकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है. अपर जो सॉइल होती है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है. इसका आंसर है जी सॉइल इरोजन. आई होप आपको अच्छे से पता चल गया हो, ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो है पानी का भी बहुत अच्छा खासा सिस्टम है. पंजाब का नाम ही उससे पड़ा है जहाँ पर 5 नदियाँ बहती है, ठीक है. UPSC वाले 5 नदी के नाम बताना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द टेरिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस. टेरिस का मतलब क्या होता है जी? जीने. याद होगा आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो ये जीनेदार खेती होती है. कहाँ पर होती है? ऑब्वियसली बात है पहाड़ों पे होती होगी. तो क्या पंजाब में पहाड़ है जी? नहीं. प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा है प्लेन, तो फिर पहाड़ कहाँ से होंगे? ये नहीं है. हरियाणा में नहीं, उत्तरांचल में पहाड़ है वहाँ पर, और वहीं पर टेरिस फार्मिंग होती है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल कौन से एरिया में पाई जाती है. देखो, जम्मू कश्मीर तो माउंटेन वाला एरिया है, उसको हटा दो, ठीक है. और अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो वहाँ पर एरिड सॉइल पाई जाती है. झारखंड में
झारखंड में भी दूसरी सॉइल पाई जाती है, हमारी झारखंड में ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती, ठीक है। जो गुजरात वाला रीजन है ना, जो डेक्कन ट्रैब वाला रीजन है, वहाँ पर पाई जाती है जी ब्लैक सॉइल। आप बताना झारखंड में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट सॉइल, ये भी बहुत, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट एरिया है हमारा जो कि होना, मतलब कितना परसेंट एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट पर होना चाहिए, शुड लिखा है होना चाहिए, तो इसका आंसर है जी 33। अभी कम है, अभी 21% है आई गेस हमारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मटीरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई आर नीड, वो रिसोर्सेज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, पर उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं आप बताना वीडियो पॉज करके, उसको कहते हैं जी स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है वो रिसोर्सेज, ठीक है, जिनको यूज़ करने की हमारे पास अभी टेक्नोलॉजिकल एक वो नहीं है, सिस्टम नहीं है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है, हमें पता है कि जी वाटर जो है वो H2O है, तो हम वाटर से ऑक्सीजन अलग करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें पता है कि आगे हम कर सकते हैं, आगे शायद टेक्नोलॉजी बन जाए, टेक्नोलॉजी उसके लिए आ जाए, बट अभी नहीं है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैंने जो ऊपर छुड़वाया था उसकी बात करेंगे। ओके इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू द डिस्टेंस ऑफ इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है उससे कितना दूर का जो पानी का एरिया है वो इंडिया के अंदर ही आता है, ये बात आपको पता होगी। 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स या 200 नॉटिकल माइल्स, तो इसका आंसर है जी 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अच्छा 200 नॉटिकल माइल्स जो दूर होता है किसी भी लैंड बाउंड्री के से दूर होता है किसी भी कंट्री के, तो उस रिसोर्स को क्या कहते हैं बताना, इसका आंसर तो 12 नॉटिकल माइल है, बट जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स जो दूर का एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कौन सा रिसोर्स है वो बताना आप, ठीक है। चलो अब वही करंट फेलो लैंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसका मैंने कहा था कि आंसर बताऊंगा, तो इसका जी अदर देन करंट फेलो लैंड जो एक साल से पाँच साल के बीच में खाली छोड़ा गया हो। ओके अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, यानी जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, सिंपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनने में, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सारा। ओके क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, यानी 5 साल से भी ज़्यादा जो खाली छोड़ा गया हो, अभी हमने किसकी बात करी थी, एक से कम करंट फेलो लैंड, एक से लेकर 5 साल तक अदर देन करंट फेलो लैंड, और जो 5 साल के बाद तक खाली छोड़ा गया हो ना वो एग्रीकल्चर जो लैंड होता है उसको कहते हैं जी हम कल्टरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। कल्टरेबल वेस्ट लैंड का मतलब 5 साल से ज़्यादा जो एरिया, जो लैंड अनकल्टिवेटेड होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उस पर खेती नहीं की जाती, उसको क्या कहा जाता है जी, उसको कहा जाता है कल्टरेबल वेस्ट लैंड। ओके कल्टरेबल वेस्ट या लैंड या कल्टरेबल लैंड, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर प्लस द नेट सोन एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब नेट सोन एरिया भी आ गया प्लस जो जितनी बार भी एग्रीकल्चर ईयर में खेती करी जाती है एक बार, तो वो भी आ गया, तो उसको क्या कहते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने बहुत ध्यान से समझाया था इसका, इसका आंसर है जी देखो नेट सोन तो एरिया हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें लिखा है नेट सोन एरिया प्लस, तो नेट सोन एरिया प्लस, अगर प्लस लिखा है तो कुछ और भी होगा, तो नेट सोन एरिया तो नहीं कहते होंगे उसको, ठीक है। तो वेस्ट लैंड तो वो होता है जिस पर ढंग से खेती नहीं होती, फॉरेस्ट कवर वो तो फॉरेस्ट का एरिया होता है, तो इसका आंसर है जी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। कभी कभार एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करा करो, गलत आंसर निकाल दो उसके बाद आप आंसर करोगे, थोड़ा सही रहेगा, ईजी रहेगा आपके लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आर कंट्री, यानी इंडिया के अंदर कितना लैंड ऐसा है जो डिग्रेड है, मतलब उस पर अब ढंग से खेती नहीं हो सकती, तो वो है जी 130 मिलियन हेक्टेयर, मैंने हेक्टेयर बोला है, स्क्वायर किलोमीटर नहीं बोला, हमारा टोटल जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का तो पूरा इंडिया है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 130 मिलियन हेक्टेयर का ऐसा एरिया है जो डिग्रेडेड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस एरिया में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है माइनिंग की वजह से, तो ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था झारखंड, आपको पता है ना झारखंड में सबसे ज़्यादा माइंस है, कोयला वगैरह की माइंस जो है वो झारखंड में ही है, इसी की वजह से यहाँ पर माइनिंग की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, अच्छे से ढंग से खेती नहीं हो पाती इस एरिया के अंदर, लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है क्योंकि माइनिंग से जो धूल निकलती है वो जम जाती है उसके ऊपर। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि पंजाब में जी लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो रहा है, हमारे ओवर इरिगेशन यानी वाटर लॉगिंग की वजह से, ओवर इरिगेशन की जगह वाटर लॉगिंग भी लिखा जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा का भी यही होगा, सॉरी पंजाब हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश का भी यही होगा, तो इसका आंसर है जी क्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ द नदर्न इंडिया, यानी जो हमारा नदर्न इंडिया है उस पर सबसे ज़्यादा जो कॉमन सॉइल है वो कौन सी है, वो है जी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और वो ज़्यादातर हमारे रिवर के पास ही हमें देखने के लिए मिलती है। आपको पता है इंडिया का जो नदर्न प्लेन है उस पर बहुत ज़्यादा रिवर बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, जो रेड सॉइल है वो कौन से एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है, तो जो रेड सॉइल है हमारी वो ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो वहाँ पर पाई जाती है, और यहीं ये जो झारखंड है वहाँ पर भी हमारी रेड सॉइल ही पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं इसे, ठीक है। अब जो रेड सॉइल है उसका रेड कलर क्यों होता है, ठीक है, रेड सॉइल का जो रेडिश कलर होता है वो तब होता है जब जो आयरन होता है ना, ठीक है, आयरन जो होता है जब वो डिफ्यूज़ हो जाता है इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, तो उसी को कहते हैं हम क्या, रेड सॉइल। अच्छा एक और बात बता दूँ, इसी की वजह से इसका रेड सॉइल कलर होता है, रेड कलर होता है। याद होगा ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें लिखा था आयरनिक कंपाउंड, है ना, बट देखो ध्यान से देखो बाकी ऑप्शन में उसमें कुछ फॉस्फोरिक कंटेंट ये वगैरह लिखा था, इसमें पूरी लाइन लिखी हुई है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपसे, अगर दिक्कत ना क्रिएट कर दो आप एग्ज़ाम में, कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, तो इसलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा जी, अब आ गया, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये रहा। तो रेड सॉइल जो है वो रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरनिक कंपाउंड होता है, ये बात सही है, आयरनिक कंपाउंड होता है, बाकी तो बिल्कुल ही गलत लिखे हुए हैं, बट जब वो आयरनिक कंपाउंड डिफ्यूज हो जाते हैं इग्नीशियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से, तभी जाकर उसका रेड कलर आता है, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ गए हो, बट आपको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि आंसर क्या होगा, ऐसे मत कर देना कि सर जो हमने पढ़ा था वो तो ऑप्शन में नहीं था तो हम मार्क ही नहीं करके, ऐसे मत करना, चार में से एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बाकी आंसर को देखना, देखो हाई क्ले कंटेंट ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ पर नोड्यूल्स की बात हो रही है, कंकड़ वगैरह की, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये हाई मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है रेड सॉइल से, तो आयरन का लेना देना है, तो एक ही में आयरन लिखा हुआ है तो यही सही है, सी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन यानी सॉइल बनने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलीफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट, यानी पहाड़ है, ठीक है, वहाँ पर प्लेटो है, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक यानी जिस जो मेन रॉक है उसी से बनती है मिट्टी, तो जो अलग टाइप की पेरेंट रॉक होगी तो फिर अलग टाइप की मिट्टी बनेगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज़ें ही वेदरिंग में आती है, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था ना, बट ड्यूरेशन ऑफ डे इससे कोई लेना देना नहीं है, सुबह है शाम है रात है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है जी डी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी ड्यूरेशन ऑफ अ डे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड, अभी अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था, मैंने आपको बताई दिया था कि ब्लैक सॉइल को रिगुड़ सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है, कहाँ लिखा जी, ये रखा, ये रिगुड़ सॉइल भी कहा जाता है, इसका आंसर है सी। अच्छा अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर देना यार, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एफर्ट है, लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट बुक के अंदर से देखने के अंदर, है ना, तो अब चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 68% सब्सक्राइबर या 68,000 पे पहुँचे तो एक दिन 1 लाख भी होगा, अभी तो पता नहीं होगा भी नहीं होगा, बट अभी तक तो आपका जितना भी सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है वो कॉमन है, कहाँ पर कॉमन है, डेक्कन ट्रैप रीजन में। डेक्कन ट्रैप का मतलब ही, मतलब डेक्कन ट्रैप वाला वही रीजन होता है जो वॉल्केनिक जो हमारी मिट्टी है उससे बनता है, तो उसी की वजह से हमारी ब्लैक सॉइल भी बनती है, तो डेक्कन ट्रैप वाला एरिया में हम ब्लैक सॉइल जो होती है वो हमें ज़्यादातर मिलती है। ओके, लैटराइट सॉइल पे क्या जो सबसे अच्छा उगता है, तो मैं आपको बता दूँ टी कॉफ़ी और वो काजू, ठीक है, काजू ये तीनों, कैश्यू नट वो सारे के सारे, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं टी कॉफ़ी और हमारे कैश्यू, अगर मैं आपको बात करूँ ना तो रेड लैटराइट सॉइल पे हमारे काजू वगैरह बहुत तगड़े उगते हैं, तो इसका आंसर है जी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33-34 की बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या कम होता है, डेफिशिएंट कौन सा कंटेंट जो होता है वो कम होता है, डेफिशिएंट होता है, तो मैं आपको बता दूं फॉस्फोरिक कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है हमारी ब्लैक सॉइल पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी सेल्फ ऑल्ट्रेशन कैपेसिटी कौन सी सॉइल पे होती है, एलुवियल सॉइल पे नहीं, माउंटेनियस सॉइल पे नहीं, तो मैं आपको बता दूं जो सेल्फ ऑल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है ना वो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी होती है, ठीक है। चलो जी, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जो प्लफिंग होती है, प्लफिंग का मतलब आपको पता है ना, जो खेती वेती करते हैं, तो प्लफिंग अलॉन्ग विद द काउंटर लाइन्स ऑफ द डीसेलेरेटेड द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन टू द स्लोप, यानी डीसेलेरेटेड का मतलब आपको पता है ना, जब पहाड़ में गोल 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 घुमावदार खेती करी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन यही है, स्ट्रिप क्रॉपिंग,
शीट इरोजन, काउंटर प्लफिंग या टेरेस फार्मिंग? तो इसका आंसर है जी सी, पहाड़ पे जो गोल गोल तरफ से करी जाती है। चैप्टर अगर आपने मेरी वीडियो से देखा होगा तो मैंने पिक्चर से अच्छे से देखा के आपको अच्छे से समझाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इनमें से, मतलब जो सॉइल कंजर्वेशन मेथड है इसमें से कौन सा नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग बिल्कुल है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सॉइल कंजर्वेशन होता है, ओके, और हम एक तरह से सॉइल को डीग्रेड होने से बचा सकते हैं। बी बिल्कुल है, टेरेस फार्मिंग या टेरेस कल्टिवेशन, शेल्टर बेल्ट ये भी है। ओके, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड कौन सा नहीं है? ओवर ड्राइंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, बिल्कुल ये गलत है। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर अगर हम ख़त्म कर देंगे तो सॉइल जो है वो कंजर्व थोड़ी ना हो रही है, बल्कि इससे तो वाटर कम हो रहा है और लैंड भी एक तरह से डीग्रेड हो जाएगी उस एरिया की, अगर वहाँ पर ग्राउंड से पानी निकल के लैंड पर नहीं आएगा तो, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था, समरसीबल 80 मीटर तक खोदो ना, 10-20 मीटर तक खोदो तो पानी निकल जाता था, बट अब 80 मीटर तक, 100 मीटर तक नीचे की तरफ डालना पड़ता है ना, उसी की वजह से फिर पानी आता है। समरसीबल आपने सुना होगा ये वर्ड, है ना। तो बट दिक्कत क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक तरह से सॉइल डिग्रेड हो रही है, तो इससे सॉइल कंजर्वेशन तो नहीं हो रहा ना, तो इसका आंसर क्या है? डी, कि सॉइल कंजर्वेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश जो मेथड है वो सॉइल कंजर्वेशन करता है हिली एरिया में, तो इसका आंसर है जी टेरेस कल्टिवेशन। हिली एरिया है, पहाड़ों वाला एरिया है तो टेरेस फार्मिंग ही होगी वहाँ पर, तो इसका आंसर है जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, उसको क्या कहा जाता है? खादर, भांगर, भाबर, तेराई, तो इसका आंसर है जी भांगर, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर भी कहा जाता है, इस पर थोड़े मोटे मोटे कंकर्स होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है उसको खादर कहते हैं हम, जो हमारी न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको खादर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर एक की जगह दो हमारे वो होते डैश होते तो क्या लिखते आप आंसर? एक तो टेरेस कल्टिवेशन हो गया, काउंटर प्लफिंग भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि डैश इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग रो ऑफ ट्रीज इन एरिड रीजन। तो जब हम एरिड रीजन में, जो हमारे राजस्थान वाला एरिया है, जब रोज़ में ट्रीज़ उगाते हैं, आपको पता ही है मतलब रोज़ में जब लाइनों में जब हम ट्रीज़ उगाते हैं तो उसको कहते हैं जी शेल्टर बेल्ट, ठीक है। इसको हिंदी में फरो प्लांटिंग भी कहते हैं, याद रखना ये बात, मतलब इंग्लिश में ही कहते हैं, फरो प्लांटिंग भी कहते हैं, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में फरो प्लांटिंग हो तो कंफ्यूज नहीं होना, FURROW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, डैश सॉइल इज़ अ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कौन सी टाइप की सॉइल की होती है? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वो ब्लैक सॉइल की होती है। ब्लैक सॉइल जो है वो क्लेई सॉइल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी गुलीज और रिवराइन। आपको पता ही है कि जिस एरिया के अंदर, जिस लैंड के अंदर बहुत सारी गुलीज होती है और रिवराइंस होता है रिवराइन आइलैंड, जो रिवर पे जो आइलैंड होता है उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं, इसमें रिवराइंस की बात हुई है। तो गुलीज और जो रिवराइंस होती है वो जिस एरिया में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी बैड लैंड, ठीक है। ये आपने सुना ही होगा, बैड लैंड। बेसिकली गुलीज क्या होती है, जब नदी बहती है वो अपना रास्ता बनाते हुए जाती है ना, और जब वो सूख जाती है तो उसको गुलीज कहते हैं, चंबल चंबल हो गया ना, तो वो भी एक तरह का बैड लैंड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 के, लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ इंडिया इज़, ये बहुत ध्यान से सुनना, मैंने भी आपको एक MCQ कराया था कि लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ इंडिया जो है वो लॉपसाइडेड है। अब लॉपसाइडेड का मतलब सुन लो आप ध्यान से, पहली बात तो ये, ओके, लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया का लैंड पैटर्न है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अगर मैं बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग देखूं, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें बताई है, तो इंडिया का जो लैंड पैटर्न है वो लॉपसाइडेड नहीं है। बट क्योंकि 10th की बुक के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ तीन ही चीज़ें बता रखी है, हमें बता रखा है जी प्लेन है, तो मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, और बाकी जो है वो बाकी लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इंडिया का जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो लॉपसाइडेड बताया है, तो आपको लॉपसाइडेड ही लिखना है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के, डैश समझ आ गया ना वाला दोस्त, गलती करके मत आना, ठीक है, याद रखना। आप क्लास 10th में जो मैंने भूला भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि आपको क्या लिखना है कि जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो लॉपसाइडेड है, एक तरफा है, क्योंकि इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर लैंड थोड़ा ज़्यादा है, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के, दैट डैश सॉइल इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा बड़ी, जो सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई सॉइल जो है इंडिया के अंदर, वो एलुवियल सॉइल है, पूरे नदन प्लेन के अंदर यही वाली सॉइल फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का, डैश सॉइल फाइंड इन थार डेजर्ट। डेजर्ट है, डेजर्ट वाले एरिया में आपको पता ही है एरिड सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, राजस्थान वाला एरिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि फॉसिल फ्यूल जो है वो किस रिसोर्स का एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है, ज़्यादा जल्दी नहीं बन सकता, बहुत मतलब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उसका, ओके बहुत ज़्यादा बाद में बनता है वो, हज़ार मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उसको दोबारा बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ये मैं इसको डैश करना चाहिए था मेरे को, ठीक है, रियली सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल गया ना इसका, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सॉइल इरोजन मतलब इरोजन से बचाना ही क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। इससे रिलेटेड ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, याद होगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोलार एनर्जी है वो किस टाइप के रिसोर्सेज का एग्जांपल है। सोलार एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है क्योंकि वो दोबारा बनती है, मतलब आप हर दिन सुबह सूरज निकलता है तो ऑब्वियस ही बात है, तो सोलार एनर्जी है जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है, विंड भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया, याद होगा अभी थोड़ी देर ऊपर, पहले थोड़ी देर क्या ऊपर एक 43 मतलब 4 या 5 या 6 क्वेश्चन ही था हमारा कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा मतलब घेरा हुआ एरिया कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा कंसिस्ट करता है, तो प्लेन करता है, कितना परसेंट, 43% एरिया जो है वो प्लेन कवर करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो इससे ही पता चल गया ना, दो क्वेश्चन बन गए कि सबसे ज़्यादा एरिया प्लेन करता है कितना, 43%। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन के टोटल इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये याद रखना आपको, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और अगर हमारा सपोर्ट आपको अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी यूट्यूबर आपको लगता है कि आपके लिए एफर्ट मार रहा है तो उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करो, उसको सपोर्ट ज़रूर करा करो, ठीक है। बाकी अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, आई होप ना आई हो, बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, आ सकती है प्रॉब्लम, बिल्कुल आ सकती है, और अगर आपको खुद भी अलग से भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी चैप्टर भी मैं जो अपलोड करती हूँ उनका प्लेलिस्ट के नीचे मतलब प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो नहीं करें वो भी मैं जल्दी कर दूंगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।